नए साल में रिश्तों का गुड लक है। अजीब कहानियां नहीं, ये तो अलबेले किस्सों की गुल्लक है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं, पर तब भी वो अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते हुए नजर आते हैं। हुआ ये कि सोनी लाइव पे गुल्लक का सीजन 2 आया, वही गुल्लक जिसका सीजन 1 2019 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आया था। मुझे गुल्लक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बट दिक्कत वही थी कि उस समय प्यासा सिनेमा पे चर्चा नहीं करता था। तो जैसे ही इसका सीजन 2 आया, हमने देखा और देखने के बाद बहुत डिले किया। आज लगभग 21 यानी कि 22 तारीख को हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हुआ ये इस बार भी सीजन 1 की तरह इसमें 5 एपिसोड्स हैं। कहानी पहले से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आपको याद है ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको गुल्लक देखना चाहिए। जी हाँ, तो 5 एपिसोड्स की ये कहानी जो सीजन 2 में खुलती है बिजली का बिल से और खत्म होती है किराना पे, एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जो लखनऊ में बसा हुआ है। बाप एक सरकारी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्लर्क है बिजली विभाग में, माँ हाउसवाइफ है। बाप का नाम संतोष है, जिसका किरदार जमील खान प्ले कर रहे हैं, जो किरदार जमील खान निभा रहे हैं। सच में वो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है, उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा संतोष है कि जिसमें आप मतलब उनका फेस जब भी आता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे आया हुआ, तो आपको लगता है कि ये आदमी बिल्कुल कंटेंट है। मतलब जीवन में कोई टेंशन नहीं है, लड़के कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट उम्मीद है कि लड़का कुछ अच्छा कर लेंगे। इनके उलट इनकी धर्मपत्नी शांति मिश्रा जो किरदार प्ले कर रही है गीतांजलि कुलकर्णी, सच में उनकी लाइफ में बिल्कुल भी शांति नहीं है। वो बिल्कुल अपोजिट है, वो हर चीज पे व्यंग करना उनकी आदत है। अपने लड़कों के ऊपर व्यंग करती है, पड़ोसन आती है उनके ऊपर व्यंग करती है, अपने हस्बैंड के ऊपर व्यंग करती है। इन्हें चिंता है, इन्हें चिंता है लड़कों की, इन्हें चिंता है हस्बैंड की, इन्हें चिंता है बाकी सारी चीजों की। इसके अलावा जो बड़ा लड़का है अनु मिश्रा, जिसकी पहले सीजन में उम्र कोई 24-25 साल थी, इस बार 20-21 साल कर दी गई है। वैसे ही आम लड़कों की तरह है जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट मिल नहीं पाती है। अभी भी वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। बट हाँ, कह सकते हैं कि दोनों किरदार माँ बाप के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग किरदार है इस कहानी का। इसके बाद जो छोटा बेटा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अमन मिश्रा जो हर्ष किरदार प्ले कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट मतलब मासूम भोलू भोला वाला सा किरदार है। बट हाँ, उसका भी कॉमिक टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है, भोला है बट वैसा नहीं है, ठीक है, मतलब इनोसेंट टाइप करेक्टर है। और इन चारों ने मिलके बिल्कुल बेहतरीन मजमा लगा दिया है। जैसे बार बार जो नरेटर है शिवांकित सिंह परिहार, जो गुल्लक बने हुए हैं, गुल्लक को आवाज दे रहे हैं, वो बार बार कहते हैं गुल्लक में कहानियां नहीं है, किस्से हैं, ठीक है। और सच में वो छोटे छोटे जो उन्होंने उठाए, जैसे परिवार हो गया, या चीनी कम पानी ज्यादा हो गया है, या फिर जो लास्ट था अपना किराना हो गया, ये सारे जो एपिसोड्स हैं ये बड़े मजेदार एपिसोड्स हैं, या बोर्ड का पेपर है, कल बोर्ड का पेपर है, ये सारे एपिसोड बहुत मजेदार एपिसोड्स हैं और कभी आपको हंसी आती है। इनफैक्ट जो लास्ट एपिसोड था जहाँ पे पूरी फैमिली ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है और अनु मिश्रा संतोष से थोड़ा दूर खड़े हुए नजर आते हैं, सच में मैं रो पड़ा। मतलब पता नहीं क्यों, मैं बहुत ग्रेविटी वाली फिल्में देखता हूँ, मुझे नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कंटेंट बड़ा सिंपल है, लाइट हार्टेड है, और आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब क्राइंग का मतलब ये नहीं घूम घूम करके रो रहा था, मतलब आंसू आने लगे, मतलब आंसू बहते बहते मतलब यहाँ तक आ गया। No, God, please, no, no, no! I don't know, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ पिघल सा गया। जब कुछ ऐसा हम कंटेंट देखते हैं तो अपने मन के अंदर कुछ फील होता है। इनकी पड़ोसन भी बहुत ज्यादा सरकास्टिक है, बिल्लू की मम्मी जो सुनीता राघवन किरदार प्ले कर रही है। तो डायरेक्टर का नाम है पलाश वसवानी और लिखा है दुर्गेश सिंह ने। मुझे उम्मीद है कि आप गुल्लक जरूर देखें, अपने लो मोमेंट में तो आपको गुल्लक जरूर देखना चाहिए। बाकी जो दो किरदार थे, पापा किरदार जमील खान संतोष मिश्रा का और गीतांजलि कुलकर्णी निभा रही है शांति मिश्रा का किरदार। इससे पहले जमील खान को आपने देखा होगा गैंग्स ऑफ बसेपुर में, जहाँ पे उन्होंने बहुत झामफाड़ एक्टिंग की थी। और गीतांजलि कुलकर्णी के ऊपर हमने आपको बताया था जब हम सर के ऊपर चर्चा कर रहे थे, सर इज लव इनफ सर, इस वाली मूवी के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपसे रिकमेंड भी ये किया था कि
कि आप देखें इनका ताजमहल 1989 देखें, गुल्लक सीजन 1 देखें और फाइनली गुल्लक सीजन 2 हमारे सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको सीजन अच्छा लगेगा। लाइट हार्टेड है, कॉमेडी है, थोड़ा सा इमोशंस भी कभी कभी आता है, पर ज्यादा सीन आपको फनी लगेंगे। किसी भी एज ग्रुप को दिखाया जा सकता है, कोई गंदी बात इस वेब सीरियल में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।